हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स। फ्रेंड्स, मेन रूप से आपको समझना है जो ये कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। इसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। मीनिंग के अनुसार तो ये आपको लग रहा होगा कि ये क्रिया कहीं न कहीं किसी काम को करने की प्रेरणा देता है, किसी न किसी काम को करने की प्रेरणा देता है। लेकिन चलते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यहां पर दो भाई बहन हैं, एक है राम और दूसरा है गीता। इसको समझते हैं। गीता रो रही है। गीता क्या कर रही है? रो रही है। गीता की माँ जो है वह आती है और गीता से पूछती है कि क्यों रो रही है। तो गीता कहती है अपनी माँ से कि हम रो नहीं रहे हैं, हमको रुला रहा है। तो माँ कहती है कौन रुला रहा है? तो गीता कहती है कि राम जो है वह मुझे रुला रहा है, यानी मैं अपने वजह से नहीं रो रहा हूं। तो साफ जाहिर है कि गीता रोई नहीं है बल्कि गीता को रुलाया है। और रुलाया कौन है? तो राम रुलाया है। तो जब राम उसको रुलाया है तो इसका मतलब गीता के रोने का कारण कौन बना? राम बना। गीता के रोने का कारण कौन बना? राम बना। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन को किसी ने पीटा। जब मोहन को किसी ने पीटा तो इससे लोगों को मोहन क्या कहता है? लोगों को मोहन कहता है कि मुझे पिटवाया गया है। मुझे पिटवाया गया है मतलब जिस आदमी ने मुझे पीटा है वो ऐसे मुझे नहीं पीटता जब तक कि कोई दूसरा आदमी उसे मुझे पीटने के लिए नहीं उकसाता, तब तक वह मुझे नहीं पीटता। तो यहां पर मोहन के पीटने का कारण कौन बना? राम बन गया। यह कहता है, मोहन कहता है लोगों को कि राम ने मुझे पिटवाया है। यहां पीटने वाला पता नहीं है, यहां पीटने वाला पता नहीं है, पिटवाने वाला पता है। यानी राम पीटता नहीं है, राम किसी दूसरे के थ्रू उसको क्या करता है? पिटवाता है। तो इस बात को हम समझते हैं, दो एग्जांपल से समझ लिए। फर्स्ट में गीता क्या कहती है कि मैं रोती नहीं हूं बल्कि राम मुझे रुलाता है, यानी मेरे रोने का कारण कौन है? राम है, कुछ न कुछ ऐसा करता है। सेकेंड में मोहन क्या कहता है कि राम ने मुझे पिटवाया। जिस आदमी ने मुझे पीटा है वह राम के कहने पर पीटा है, यानी राम ने मुझे पिटवाया है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस में कर्ता खुद कोई काम करता नहीं है बल्कि वह काम को करने का कारण बनता है। काम के करने का क्या बनता है? कारण बनता है। काम के करने का कॉज होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं और सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसका एक साधारण जनरल स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं और उसको आप टेंस के आधार पर बदलते जाओगे, जैसा टेंस होगा वैसा। तो मेन स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन। ये मेन स्ट्रक्चर है। आप इसको अगर याद रख लेते हो तो फिर टेंस के आधार पर आप इसको बदलते जाओगे, जैसा टेंस होगा वैसा सेंटेंस आप बनाते जाओगे, आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगा।
फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां गीता कहती है कि राम ने मुझे रुलाया, राम ने मुझे रुलाया। तो देखते हैं, राम ने मुझे रुलाया, यानी इसके रोने का कारण कौन बना? राम बना। कौन बना? राम बना। अब देखते हैं इसको, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। सब्जेक्ट क्या होगा? राम। फिर मेक भर्ब देना है, लेकिन मेक भर्ब जो देना है, मेक तो एक भर्ब है। अब टेंस के आधार पर ये इसका फॉर्म भी चेंज होगा और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। रूल आया या ये अगर आप हिंदी में इसको करोगे तो जिस क्रिया के अंत में या ये आए वो क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट होता है। और पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? तो भी टू का यूज करते हैं। तो यहां पर भी टू का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? मेक का भी टू क्या होगा? मेड। क्या हो जाएगा? मेड। अब आया मुझे, यही है ऑब्जेक्ट। तो मुझे मतलब मैं, जिसका सब्जेक्ट होता है आई और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो यहां हम किसका यूज करेंगे? मी का यूज करेंगे। और फिर रुलाया, रोना जो है, रोना का क्या होगा यहां पर? वीप। क्या हो जाएगा? वीप। इस तरह से आप इसको देख लिए। तो ये तो पास्ट था, तो मैंने मेड का यूज किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वी वन हो गया। सेकेंड इसका चलते हैं, अगर इसी को जो है सो हम प्रेजेंट में कहते हैं। गीता बार बार रोती है, गीता बार बार रोती है और मां उससे पूछती है कि बेटी तुम बार बार क्यों रोती हो? तो गीता कहती है कि मैं रोती कहां हूं, मुझे तो बार बार रुलाया जाता है, यानी मुझे बार बार रुलाता है और रुलाने वाला है कौन? तो राम है। यानी मुझे रुलाता है, मैं रोती नहीं हूं। तो यहां क्या लिखते हैं कि राम, राम मुझे रुलाता है, राम मुझे रुलाता है, यानी मेरे रोने का कारण बनता है। तो यहां ता है, ती है, ता है ती है ते हैं अगर हो तो हम किसका यूज करते हैं? ता है ती है ते हैं अगर रहे तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो भी वन या भी फाइव होता है। अगर आप इसको ता है ती है पर समझ जाते हो तो भी आप इसको समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। और अगर इसी के भाव को अगर समझते हो कि कोई काम अगर प्रेजेंट में बार बार होता है तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। कोई काम अगर प्रेजेंट में बार बार होता है तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। तो यहां पर ये काम बार बार होता है, गीता बार बार रोती है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे कि राम, राम और मेक है, तो यहां भी वन भी फाइव, तो राम के साथ हम भी फाइव का यूज करते हैं। फ्रेंड्स आप टेंस में इसको सीख चुके हो, तो राम मेक्स मी, मुझे ऑब्जेक्ट मी हो गया और क्या होगा? रोना का वीप हो जाएगा। राम मेक्स मी वीप, राम मेक्स मी वीप। इसी का अगर हम फ्यूचर में लिखते हैं क्या होगा? फ्यूचर में जैसे गीता जो है सो फिर कहती है अपने माँ से कि लगता है कि राम मुझे रुला के ही मानेगा, राम मुझे रुलाएगा, यानी मैं फ्यूचर में अभी से जस्ट एक मिनट दो मिनट के बाद मैं रोने वाली हूँ, यानी राम मुझे रुलाएगा। अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं रोऊंगी तो मेरे रोने का कारण कौन बनेगा? राम बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि राम, गीता कहती है कि राम मुझे क्या करेगा? रुलाएगा, यानी मैं राम की वजह से रोऊंगा। तो गागेगी और सिर्फ गागेगी रहे तो किसका हम पर यूज करते हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट का। और फ्यूचर इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सेल विल प्लस भी वन। फ्रेंड्स आप इसको समझते होंगे, तो हम क्या लिखते हैं कि राम विल, राम विल, यहां पर मेक है तो इसके फ्यूचर फॉर्म को यूज करेंगे, राम विल मेक, राम विल मेक मी व्हिप, राम विल मेक मी व्हिप, यहां पर मी ऑब्जेक्ट और फिर व्हिप के बाद क्या आ गया? भी वन आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये तो आपका
इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ प्रेजेंट में हमने यूज किया तो फिर किसका यूज किया, V1 V5, ये पास्ट इंडेफिनिट तो V2, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 V5, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल प्लस V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये कॉजेटिव वर्ब होता है, इस तरह से ये क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब होता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, एक दो एग्जाम्पल से और हम इसको समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं। आप किसी भी टेंस में इसको बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। जैसे हम क्या लिखते हैं, गीता इसी जगह पर कहती है कि राम मुझे क्या कर रहा है, हंसा रहा है, राम मुझे हंसा रहा है, यानी मैं हंस नहीं रही हूँ, मेरे हंसने का कारण कौन बन रहा है, राम बन रहा है, राम मुझे हंसा रहा है। तो क्या हो जाएगा, राम इज मेकिंग मी लाफ। राम मुझे हंसा रहा है। इस तरह से जितने भी टेंस का यूज करोगे आप कर सकते हो। यहां कहता है मोहन कि राम ने मुझे पिटवाया। फिर हम लिखते हैं कि राम ने मुझे पिटवाया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम मेड मी बीट, राम ने मुझे पिटवाया। इसी के लिखते हैं कि राम मुझे पिटवाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम विल मेक मी बीट, राम मुझे पिटवाएगा। इस तरह से जैसे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे आप कहना चाहते हो कि उसने मुझे पढ़वाया, या मेरी माँ ने मुझे पढ़वाया। फ्रेंड्स, पढ़ाया और पढ़वाया में अंतर होता है। जब हम बोलते हैं कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, अब दोनों को समझ सकते हो, तो इसका मतलब माँ ने ही मुझे पढ़ाई, कोई दूसरा नहीं पढ़ाया। लेकिन जब बोलते हैं कि मेरी माँ ने मुझे पढ़वाया, तो यहाँ तीन आदमी हो गया, माँ पैसा दी, माँ ने टीचर को बुलाई और टीचर ने मुझे पढ़ाया है। अगर माँ टीचर को नहीं बुलाती, माँ टीचर को पैसा नहीं देती, तो टीचर मुझे नहीं पढ़ाए होते। इसलिए मुझे पढ़वाने का कारण कौन बने, मेरी माँ बनी थी। तो मेरी माँ ने मुझे पढ़वाया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, My mother made me teach, मेरी माँ ने मुझे पढ़वाया। इसी तरह से जैसो हम और कोई भी सेंटेंस को जैसो कर सकते हैं, जैसे उसने घोड़े को चलाया। इस मीन्स घोड़ा खुद नहीं चला, घोड़ा तो खड़ा था, फिर चला कैसे, तो वह आया और पीछे से छड़ी मार दिया होगा, वह पीछे से कुछ एक्टिविटी कर दिया होगा जिस वजह से घोड़ा चलना शुरू कर दिया, या उन्होंने घोड़ा को पीटा होगा, घोड़ा खुद नहीं चला। तो यहां पर क्या लिखेंगे, He made the horse walk. उसने घोड़े को चलाया या चलवाया। यानी घोड़े का चलने का कारण कोई और है, घोड़ा खुद नहीं चला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको समझ चुके हो, और वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, और हम आपके कमेंट का रिप्लाई निश्चित रूप से देंगे। और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।